तो रेसलिंग पीडिया फैमिली आज के मंडे नाइट रॉ में द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स ने ये बोल दिया है कि अगली बार जब ब्रॉक लेसनर शीशा देखेंगे तो उन्हें एक शिकारी नहीं बल्कि एक शिकार दिखेगा। और कॉडी ने चैलेंज कर दिया ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया बैकलैश में सिंगल्स मैच के लिए। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर कॉडी रोड्स की इस चैलेंज के जवाब देने आ रहे हैं। और इसके अलावा ट्रिश स्ट्रैटस हील टर्न हो गई और जब वो और बेकी लिंच वुमेन्स टैग टीम टाइटल हार गई उसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस ने अटैक भी कर दिया बेकी लिंच पर। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज के मंडे नाइट रॉ में बेकी लिंच और लिटा का वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए मैच होने वाला था रकेल रोड्रिगस और लिव मॉर्गन की टीम के साथ, लेकिन इस मैच से पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर लिटा पर किसी ने बैकस्टेज में अटैक कर दिया था और इसके बाद बेकी लिंच अकेले रेडी थी उनकी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रकेल रोड्रिगस और लिव मॉर्गन से। लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस बेकी लिंच की मदद करने आ गई और बेकी और ट्रिश ने रकेल रोड्रिगस और लिव से उनकी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फाइट करा। और इस मैच में ट्रिश स्ट्रैटस का पिनफॉल करवाकर लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगस नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन गई है। लेकिन इस मैच के बाद ट्रिश स्ट्रैटस हील टर्न हो गई और उन्होंने बेकी लिंच पे अटैक कर दिया। और अब रिंग साइड न्यूज ने ऐसा बताया है कि समरस्लैम 2023 में बेकी लिंच और ट्रिश स्ट्रैटस का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने वाले हैं और लिटा पर भी अटैक ट्रिश स्ट्रैटस ने किया होगा और जो ट्रिश स्ट्रैटस का पिनफॉल हुआ था वो भी आने वाले हफ्तों में रिवील होगा कि ट्रिश स्ट्रैटस ने जानबूझकर उनका पिनफॉल करवाया था ताकि बेकी लिंच और लिटा वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप हार जाएं। तो आज की मंडे नाइट रॉ में कॉडी रोड्स ने बोल दिया है कि रेसलमेनिया 39 में वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से हारे हैं। और फिर इस चीज के लिए कॉडी ने फैंस को सॉरी भी बोला और कॉडी ने आगे ये बताया कि उन्हें ऐसे सुनने में आया है कि पॉल हेमन और रोमन रेंस ने ऐसे बोला कि अगर कॉडी रोड्स को दोबारा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच चाहिए तो कॉडी को ये मैच अर्न करना पड़ेगा। और तब कॉडी रोड्स ने गुस्से में बताया कि उन्होंने अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में सब कुछ अर्न किया है न कि थाली में सजाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें सब कुछ दिया है। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर भी गए और फिर रिटर्न आकर वो इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। लेकिन फिर कॉडी रोड्स ने बात करना स्टार्ट किया ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो कॉडी ने बोला कि उनको ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर ने पिछले हफ्ते उन पे अटैक इसलिए किया है क्योंकि कॉडी रोड्स जो बदलाव लेकर आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो शायद ब्रॉक लेसनर को पसंद नहीं आ रहा है। और अगर कॉडी रोड्स से कोई पूछेगा कि क्या वो ब्रॉक लेसनर से डरते हैं तो कॉडी रोड्स ने बोला कि वो पागल ही होंगे जो ब्रॉक लेसनर से नहीं डरेंगे। और कॉडी ने ये मान लिया कि वो ब्रॉक लेसनर से डरते हैं कि डरने के बाद भी वो ब्रॉक लेसनर से फाइट करना चाहते हैं और ब्रॉक का यही डर कॉडी रोड्स को ब्रॉक लेसनर से जितवाएगा। और कॉडी ने बोला कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को एक शिकार की तरह देखते हैं, लेकिन जब ब्रॉक कॉडी से फाइट करेंगे तो उसके बाद जब ब्रॉक शीशे में देखेंगे तो उन्हें एक शिकारी नहीं बल्कि कॉडी रोड्स का शिकार दिखाई देगा। और रेसलमेनिया बैकलैश के लिए कॉडी ने चैलेंज कर दिया है ब्रॉक लेसनर को। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे हैं और वो कॉडी रोड्स के इस चैलेंज का जवाब देंगे। तो इतना तो कंफर्म है कि नेक्स्ट हफ्ते कॉडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर ब्रॉल फैंस को देखने मिलेगा। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।